आपका वेरिएबल कंटिन्यूस है लेकिन वो लिमिटेड है, वो सेंसर्ड है फ्रॉम बिलो और वो सेंसर्ड है फ्रॉम अबव. और सेंसर्ड और ट्रंकेटेड मॉडल टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सेंसर्ड मॉडल में फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कुछ हम केसेस डिस्कस करेंगे कि आप चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट बिलो ए थर्ड एंड सर्टन वैल्यू ना जाए या अबव ए सर्टन वैल्यू भी आप नहीं जाने देते, तो ये आपके पास सेंसरिंग है लेफ्ट भी और राइट भी. अगर आप इनकम ऑब्जर्व करते हैं हाउस होल्ड्स की और आप कहते हैं कि रुपीज 200,000 पर मंथ से जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उनको हम रुपीज 200,000 काउंट करेंगे, उनके बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो डेटा आपके पास मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड सेंसर डेटा फ्रॉम अबव और राइट सेंसरिंग. आपके पास जो है स्केल जो है वो लेड कंटेंट इन वाटर 5 parts per billion से कम पे मैयर नहीं करता, तो जो ऑब्जर्व होंगी वैल्यू उससे कम आप उसको अगर 5 कंसिडर करेंगे तो ये सेंसर्ड है. लेकिन अगर आप 200,000 पर मंथ से जिन हाउसहोल्ड्स की इनकम ज्यादा है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसका बाकी डेटा भी हमारे पास शामिल नहीं होगा, तो ये ट्रंकेटेड डेटा है. सिमिलरली 5 parts per billion से जो नीचे वाली वैल्यूज है उसको 5 नहीं काउंट कर रहे, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये बेसिकली ट्रंकेशन है. ट्रंकेटेड रिग्रेशन डिफरेंट है, टॉबिट रिग्रेशन जो है ये सेंसर डेटा पे होती है. सेंसर डेटा जो है ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ट्रंकेटेड डेटा जो है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता. मैं एक और एग्जांपल्स कुछ हमारे पास आ जाएंगी, तो आपके पास जो है वो जैसे बायर्स हैं नॉन बायर्स हैं, तो अब आपके पास ये डेटा सेंसर्ड में सेंसरिंग डेटा में ये मौजूद होगा. ये ठीक है कि आप उनकी इनकम जो है वो उससे जीरो से ऊपर वालों को देख लेंगे, लेकिन जब सेल्स टैक्स रिकॉर्ड आएगा तो वहां पर ये डेटा मौजूद नहीं होगा. जो नॉन बायर्स का होगा तो वो बेसिकली ट्रंकेटेड डेटा होगा, वहां पर ये डेटा मौजूद ही नहीं है. सिमिलरली अभी हम एम्ब्रोस डेटा की बात देखेंगे तो वो मैरिड फीमेल जो लेबर सप्लाई नहीं कर रही वो जीरो ऑब्जर्व होंगी, और तो दिस इज कॉल्ड सेंसरिंग फ्रॉम लेफ्ट. अच्छा, आपके पास जो है अब बर्थडे है, मैरिज सेरेमनी है, कॉन्फ्रेंस है, आपके पास क्या होता है, आप पासिस कितने जारी करेंगे, so that value will be that जो वो जो capacity है, तो it means it's censored at that capacity. आपके पास जो है वो exchange rate की मैंने बात की है, आपके पास जो है वो dividend है, तो dividend कब मिलेगा, जब उनकी earning एक certain threshold से ऊपर जाएंगी. तो basically similarly आपकी गवर्नमेंट्स जो है वो आटे पे, चीनी पे, चावल पे, बाजुकात जो है प्याज पे, टमाटर पे कीमतें उस पे जो है वो एक प्राइस एम्बार्गो लगाती है, तो इट मींस प्राइस उससे ऊपर भी होगी तो सरकारी जो अफसर है वो जाके कहता है जी कि ये आपको चीज़ इतने में मिल रही है, तो दैट्स अ लेटेंट वेरिएबल. यानी कि प्राइस जो भी मिल रही थी उसने जाके आपके डिप्टी कमिश्नर ने, आपके असिस्टेंट कमिश्नर ने रिपोर्ट क्या देनी है कि ये जी इतने में मिल रहा है, तो इट मींस दैट इज सेंसर्ड डेटा. तो मैं जो एग्जांपल छोटी सी, आज मैं आर की बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत छोटी सी एक कमांड आपको बता दूंगा. तो हमने एम्ब्रोस डेटा यूज किया था अपनी लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉबिट और लॉगिट मॉडल्स में, तो प्लीज आप उसको विजिट कर लीजिएगा टू रिव्यू दैट. यहां पे हम ये देख रहे हैं कि उस डेटा में जो आपके पास विमेन जो अर्निंग है वो बेसिकली जो उनकी लेबर सप्लाई है 43% का जीरो है. अब क्या होता है कि जब ओएलएस जो है ऐसे डेटा पे अप्लाई करेंगे जहां वैल्यू एक खास पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तो उस केस में आपके पास जो है जो ओएलएस है वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स देती है, तो वी अप्लाई सेंसर्ड रिग्रेशन इन दैट केस. तो आप देखिए, तो जब मैं उस डेटा की हिस्टोग्राम बनाता हूं
तो ये आपके पास हिस्टोग्राम अगर आप देखें तो जीरो पे बहुत हाई कंसंट्रेशन है। सिमिलरली जब आप स्टूडेंट्स का जीपीए फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व करेंगे तो 4 GPA डजंट मीन के सारे स्टूडेंट्स का इक्वल स्कोर था परसेंटेज में, तो जब भी वो एक सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर गए तो यू ऑब्जर्व 4, तो दैट इज बेसिकली सेंसर्ड फ्रॉम अबव। अगर आप 2 से नीचे वाले नहीं ऑब्जर्व करते, आप उसको 2 करते हैं तो दैट इज सेंसर्ड फ्रॉम बिलो। तो आपके पास इसी तरह से ये टॉबिट, जस्ट आर में एक कमांड है टॉबिट, आप आवर्स को रिग्रेस कर दिया है, द नंबर ऑफ आवर्स फीमेल मैरिड फीमेल्स हैव सप्लाइड टू लेबर मार्केट, तो उसको आपने रिग्रेस किया। इसी तरह से आप टॉबिट की जगह पे LM लिख देंगे तो वो OLS आ जाएगा, तो यू कैन सी कि जी वो आपके पास काफ़ी रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। स्टेटा की बहुत सिंपल कमांड है कि आप उसको जस्ट टॉबिट लिखें और LL मींस कि लोअर साइड से हमने जीरो जो है वो बेसिकली वहां पे सेंसरिंग हो रही है। UL भी आप लिख सकते हैं, अपर लिमिट दोनों तरफ से हुई तो दोनों लिख लेना, एक तरफ से हो तो एक लिख लेना। तो आई होप कि ये आपको, और यहाँ पे अगर आप ट्रंकेटेड रिग्रेशन लिखेंगे तो वो ट्रंकेटेड डेटा में आ जाएगी। आई होप कि यहाँ से आपको अप्लाई कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स और उसकी जो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आप अपने तौर पे सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।